हेलो दोस्तों, स्वागत है शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे WPL 2024 के दोस्तों मैच नंबर 21 के बारे में जो आपका खेला जा रहा है मैच, और दोस्तों बेंगलोर वुमेन के बीच में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों टीमों के लिए ना ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और दोनों टीम दोस्तों इस मैच को विन करना चाहेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है क्योंकि ये जो मैच है दोस्तों, ये मैच है दोस्तों एलिमिनेटर मैच। जो टीम दोस्तों इस मैच को विन करेगी वो दोस्तों डायरेक्ट फाइनल में जाएगी और दिल्ली के अगेंस्ट प्ले करेगी। जो टीम यहां पे लॉस करती है उनका दोस्तों टूर्नामेंट यहीं पे एंड हो जाएगा। और इस इंपॉर्टेंट मैच के रिगार्डिंग हमारा और दोस्तों आपका क्या फाइनल टीम होना चाहिए दोस्तों, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में किस प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर दोस्तों इस मैच के कौन रहने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, सभी कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और अपना एक बेस्ट 11 प्लेयर का दोस्तों टीम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पिच को समझ लेते हैं। तो दोस्तों रिसेंट मैचों का हम लोग यदि देखें इस पिच पे जो हुए हैं, इस चीज को सबसे पहले देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो मैच है ना अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में रहने वाला है और अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दोस्तों अभी तक WPL के 50% मैचेज हुए हैं, जिसमें आप देखोगे दोस्तों जो लास्ट मैच हुए थे ये हुए थे दोस्तों गुजरात वुमेन और दोस्तों दिल्ली वुमेन के बीच में। यहाँ पे ना दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुजरात की टीम लॉस की थी, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 126 स्कोर कर पाई थी और दोस्तों दिल्ली की टीम मैच को वन साइडेड विन की थी। इस मैच में दोस्तों पेसर को 4 विकेट और स्पिनर को दोस्तों 5 विकेट मिले थे। उससे पहले वाला दोस्तों जो मैच हुआ था ना, जानते हो सेम इसी दो टीम के बीच में हुआ था, MI वुमेन और दोस्तों RCB वुमेन के बीच में। इसमें आप देखोगे दोस्तों MI वुमेन की टीम ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था, सिर्फ बैटिंग फर्स्ट करते हुए 113 रन ही स्कोर कर पाई थी और RCB की टीम दोस्तों मैच को वन साइडेड विन कर गई थी। इसमें दोस्तों पेसर को ज्यादा विकेट मिले थे 9 विकेट और स्पिनर को दोस्तों सिर्फ 4 विकेट मिले थे। उसका रीजन क्या था ना दोस्तों, यहाँ पे पेसर को ना जिस पिच पे ये मैच हुआ था ये दोस्तों पिच नंबर आपका 6 था और पिच नंबर 6 पे दोस्तों ध्यान रखिएगा पेसर को बहुत अच्छा दोस्तों स्विंग मिल रहा था स्टार्टिंग में, ई पैरी दोस्तों 6 विकेट निकाल की गई थी। तो दोस्तों यदि ये मैच ध्यान रखना पिच नंबर 6 पे फिर से होता है तो पेसर को ज्यादा विकेट मिलेगा एज कंपेयर टू स्पिनर, ठीक ना। यदि दोस्तों पिच नंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा 4 पे होता है जो लास्ट मैच हुआ था, तो फिर दोस्तों यहाँ पे स्पिनर को ज्यादा विकेट मिलेगा एज कंपेयर टू दोस्तों पेसर को। यदि पिच नंबर दोस्तों 7 पे होता है तो यहाँ पर भी दोस्तों स्पिनर को ज्यादा विकेट मिलेगा एज कंपेयर टू दोस्तों फास्ट बॉलर। बस दोस्तों यदि पिच नंबर 6 पे हो तो फास्ट बॉलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और अदर कोई भी पिच पे होता है वहां पे दोस्तों स्पिनर ज्यादा विकेट लेके जाते हैं। आप बोलोगे यार कैसे पता चलेगा कि किस पिच पे मैच होगा, मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। ये चीज ना फाइनल दोस्तों टॉस के टाइम डिसाइड होता है, तो आप सभी दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि किस पिच पे ये मैच होने वाला है और जिस पिच पे होने वाला है वहां पे स्पिनर या फास्ट बॉलर किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक ना। तो जितने भी न्यू मेंबर है जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच करे, आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल को मस्ट है ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन होगा कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसका लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में भी इसी वीडियो का फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से भी दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। और फाइनल टीम का भी अपडेट मैं वहीं पे आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन रेडी करने के लिए, ठीक ना। तो पिच रिपोर्ट तो दोस्तों ये कहता है ना कि जो यहाँ पे अभी तक जितने भी मैचेज हुए ना उस मैच में आप देखोगे दोस्तों 80% जो विकेट है वो दोस्तों स्पिनर लेके गए हैं और 20% दोस्तों विकेट फास्ट बॉलर लेके गए हैं। और इस मैच में भी दोस्तों मैं सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पिनर को थोड़ा ज्यादा विकेट मिलेगा। ऐसे दोनों टीमों के पास दोस्तों अच्छे फास्ट बॉलर है जो आपके टीम में जरूर रहेंगे। ई पैरी को कौन ड्रॉप करेगा दोस्तों, बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देगी। नाइट सिबरब्रंड दोस्तों फास्ट बॉलर है लेकिन आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी देती है, वो ऐसे प्लेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट तो जरूर रहेगी, ठीक ना। तो स्पिनर फ्रेंडली आप बना सकते हो कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत ज्यादा स्पिनर को आपको टीम में नहीं रखना है, ये चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक ना। बात करते हैं इस मैच का एवरेज स्कोर क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूँ। देखो दोस्तों लास्ट मैच मुंबई की टीम बोले तो वन साइडेड हार गई थी और ये मैच दोस्तों हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस मैच का आपका एवरेज स्कोर हाई रहने वाला है
और एवरेज स्कोर दोस्तों जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उनका 140 और 170 के बीच में रहेगा, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लास्ट मैच को देखते हुए आप बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा बैट्समैन को जरूर बैक कीजिएगा, क्योंकि इस मैच में ना बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दोस्तों बॉलर, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो देखो देखो WBBL 2024 में ना दोनों टीमों के बीच में अभी तक आप देखिएगा टोटल 4 मैचेज हुए हेड टू हेड में, 4। इस 4 मैच में दोस्तों आप देखिएगा कि मुंबई की टीम ने ना 3 मैच विन किया है और दोस्तों RCB की टीम दोस्तों सिर्फ 1 मैच विन कर पाई है, और वो भी दोस्तों लास्ट मैच ही था जहां पे दोस्तों RCB की टीम ने मुंबई को हराया था। तो 4 में दोस्तों देखो मुंबई का एडवांटेज तो जरूर है जो भी आप बोलो दोस्तों, क्योंकि 3 मैच विन कर चुकी है, और इस मैच का भी दोस्तों हाई चांस रखिएगा MI की टीम दोस्तों आपको विन करते हुए दिख सकती है। क्योंकि RCB का दोस्तों देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी ये टीम दोस्तों क्वार्टर फाइनल एलिमिनेटर फाइनल जैसे मैच में जाती है ना, ये टीम दोस्तों वहां पे गड़बड़ जरूर करती है, और मुंबई को दोस्तों आदत है बड़े मैचेस खेलने का। तो मैं तो दोस्तों यही रिकमेंड करूंगा कॉम्बिनेशन आप मुंबई को फेवर करके बना सकते हैं इस मैच को, ठीक ना, क्योंकि हेड टू हेड में भी दोस्तों इस टीम का पलड़ा भारी है, और दोस्तों रिकॉर्ड भी यही कहता है बड़े मैच में दोस्तों MI की टीम हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, और टीम भी दोस्तों इनकी काफी सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना। तो हेड टू हेड में आप देख सकते हो रिकॉर्ड। अब बात कर ले दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग ना कुछ बेहतरीन ऑफर के बारे में। दोस्तों आप सभी दोस्त इस ऑफर को थोड़ा सा फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाजी ना आपको इस मैच में आउटस्टैंडिंग ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। एक तो दोस्तों आपको डिपॉजिट ऑफर मिलेगा, जिसमें आप देखिएगा दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, जो दोस्तों अभी तक आपने स्पोर्ट्स बाजी पे कभी डिपॉजिट नहीं किया है, तो यदि आप फर्स्ट टाइम 100 रुपया डिपॉजिट करते हो, WPL100 कोड यूज कीजिएगा, और दोस्तों आपको 10 रुपया का फ्री टिकट मिलेगा, इस टिकट को आप इस मैच में यूज कर सकते हो। यदि आप स्पोर्ट्स बाजी पे दोस्तों 500 या 500 ऊपर का डिपॉजिट करते हो, आपको दोस्तों WPL500 कोड यूज करना है, और आपको इस मैच में जो सबसे बड़ा वाला ग्रैंड लीग होता है स्पोर्ट्स बाजी पे 19 रुपया वाला, ये दोस्तों आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। GST दोस्तों फ्री ऐप है, राशिद खान इनके ब्रांड एम्बेसडर है, ट्रस्ट का भी कोई इश्यू नहीं, और टैक्स भी दोस्तों आपको GST के रूप में पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। और एक और ऑफर आप देखिएगा तो दोस्तों देखो 5000 का आपके लिए ना फ्री गिव अवे भी चल रहा है इस मैच का, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रैंडली कॉन्टेस्ट आप प्ले कर सकते हो, अदर सभी ऐप दोस्तों आपसे 49 या दोस्तों 39 रुपीज लेते हैं ग्रैंड लीग में। स्पोर्ट्स बाजी बोलता है ना मेरे को आप ये दोनों में से कोई पे नहीं करो, सिर्फ 19 रुपया में दोस्तों आप यहाँ पे ग्रैंड लीग प्ले कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑफर है। स्मॉल लीग भी दोस्तों यदि आप 2 मेंबर 3 मेंबर और या दोस्तों 4 मेंबर प्ले करते हो, ध्यान रखिएगा उसमें भी ऑफर आपको मिलेगा। एक तो जितने भी कमीशन है ना, ध्यान रखना अदर ऐप के कंपेयर में आपको कमीशन भी कम पे करना है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी आपको मिलेंगे फीस सभी में दोस्तों आपको बोनस भी यूज मिलेगा, जैसे 3% बोनस हो किसी में आपको 5% बोनस यूज होगा, तो बोनस आपके पास है तो दोस्तों आपका ना एंट्री फी और कम लगेगा स्मॉल लीग में, और स्मॉल लीग का फाइनल टीम दोस्तों मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा तो प्ले कर सकते हैं। और एक ना बहुत शानदार ऑफर है दोस्तों सिर्फ इस मैच के लिए, ये ऑफर आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त इसको ध्यान से समझिए। इस मैच में ना दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी आप सभी को 1000 रुपए का दोस्तों फ्री गिव अवे दे रहा है, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। गिफ्ट हैम्पर में दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी का 3 से 4 प्रोडक्ट रहने वाला है। आपके पास दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा गया है इस मैच में, और इस 3 क्वेश्चन का दोस्तों जिनका भी आंसर सही रहता है वो दोस्तों 1000 का फ्री गिफ्ट हैम्पर, और दोस्तों आपको गिफ्ट हैम्पर में 3 से 4 प्रोडक्ट आप ले विन कर सकते हो। विन कैसे करेंगे दोस्तों उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो मैं अभी आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, इस 3 क्वेश्चन का दोस्तों आपको जो जवाब है ना कहाँ पे लिखना है, इसी वीडियो के दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक ना। लिखना कैसे है दोस्तों ध्यान रखना, आप कमेंट लिखने से पहले ऊपर में ना स्पोर्ट्स बाजी का जो यूजर आईडी नेम होता है उसको डाल दीजिएगा, फिर उसके नीचे आप अपना आंसर डाल दीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा स्पोर्ट्स बाजी की तरफ दोस्तों 1000 रुपया और दोस्तों आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और ये दोस्तों ध्यान रखना बहुत शानदार ऑफर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपको बताना है, विल द फर्स्ट इनिंग स्कोर बी द मोर देन 170। आपको बताना है जो भी टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करेगी क्या दोस्तों वो 170 से ऊपर टारगेट को दोस्तों रखेगी। आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। विच प्लेयर विल हैव द मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट ऑन स्पोर्ट्स बाजी।
सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, इस मैच में कौन सी प्लेयर आपको लगता है दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी पे सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देके जाएगी, इसका दोस्तों आपको आंसर नीचे आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है बताना है दोस्तों इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी। तो ये तीन क्वेश्चन है दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग, सभी दोस्त इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। फ्री का दोस्तों 1000 रुपया और दोस्तों गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर में दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी का टी शर्ट कैप्स हो सकता है। तो आप सभी दोस्त कोशिश कीजिए इसको विन करने का। ध्यान रखिएगा आंसर कैसे लिखना है, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको लिखना है सबसे पहले स्पोर्ट्स बाजी का जो यूजर आईडी होता है आप चेक कर लेना आपका क्या है, वो डालिएगा और उसके नीचे आंसर डालिएगा, ठीक ना। तो सभी जो जाइए पार्टिसिपेट कीजिए और मिस मत कीजिए, शानदार बेस्ट ऑफर है, ओके ना। और दोस्तों बात कर ले तो आप यहाँ पे आप चाहो तो देखिए स्टैट्स प्रो भी प्ले कर सकते हैं। स्टैट्स प्रो में भी दोस्तों सेम आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है, जो क्वेश्चन बेस्ट लगे उसको दोस्तों आप चेक करके प्ले कर सकते हैं। और हाँ आपका ये भी तो होगा भाई डाउनलोड कैसे करेंगे, तो स्पोर्ट्स बाजी ऐप का लिंक दोस्तों आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफर चल रहा है ना इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तों अब हम लोग ना दोनों टीमों का प्लेइंग 11 को समझते हैं। तो एमआई वुमेन का दोस्तों आप प्लेइंग 11 देख सकते हो आपके सामने है, और मैं बता दूं एमआई वुमेन की टीम में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। लास्ट मैच में दोस्तों वाई भाटिया नहीं खेली थी, इस मैच में कंफर्म रखिएगा वाई भाटिया आपको खेलते हुए दिखेगी, बस यही चेंज होगा, अदर कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 था सेम दोस्तों यही प्लेइंग 11 इस मैच में भी आपका रहने वाला है, ठीक ना। बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग, अब एमआई वुमेन के सभी प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड समझ लेते हैं कि आरसी वुमेन की टीम दोस्तों जब ये टीम खेली है तो किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगी वाई भाटिया। वाई भाटिया दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट आप देखिएगा 3 मैचेस टोटल खेली है, और इस 3 मैच में दोस्तों बैटिंग से 84 रन स्कोर किए है, बढ़िया रिकॉर्ड है, मस्ट पिक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष के साथ आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि अच्छी प्लेयर है और रिकॉर्ड भी दोस्तों काफी शानदार है। उसके बाद दोस्तों आपको मैथ्यू का ऑप्शन मिलेगा। मैथ्यू दोस्तों हेड टू हेड में 4 मैच खेली है, 153 रन स्कोर और दोस्तों 4 विकेट ले लिए, तो आरसीबी के अगेंस्ट दोस्तों मैथ्यू का बल्ला हमेशा बोलता भी है और दोस्तों गेंदबाजी से भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लास्ट मैच में भी दोस्तों मैथ्यू ने विकेट भी लिया था और बैटिंग से भी दोस्तों 26 रन स्कोर करके गई थी। अच्छी प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में भी चल रही है, मस्ट पिक है, लेके चलेंगे। फिर आपको मिलेगी दोस्तों नाइट सीवर ब्रांड। लास्ट मैच दोस्तों उतना अच्छा नहीं कर पाई, लास्ट मैच आप देखोगे सिर्फ 10 रन ही स्कोर कर पाई थी, बट अच्छी प्लेयर है। हेड टू हेड में दोस्तों 4 मैच में 105 रन है आरसीबी के अगेंस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 7 विकेट ले चुकी है, ठीक ना। यदि दोस्तों सच बताऊं एमआई को ये मैच विन करना है ना, तो नाइट सीवर ब्रांड को दोस्तों परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। यदि ये परफॉर्मेंस कर जाती है दोस्तों एमआई वुमेन की कंफर्म रखिए विन कर जाएगी, क्योंकि जब भी इन्होंने दोस्तों छोटा सा भी परफॉर्मेंस किया है ना मुंबई की टीम हमेशा विन की है, जब इनका परफॉर्मेंस नहीं आया है तो दोस्तों एमआई की टीम लॉस की है। तो इस प्लेयर को दोस्तों चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरमनप्रीत दोस्तों लास्ट मैच में यार बोले तो वो कैसे आउट हो गई थी बेंगलोर के अगेंस्ट, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत शानदार फॉर्म में चल रही है, रिसेंट मैचों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बस आरसीबी के अगेंस्ट पता नहीं ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पाती। आप देखोगे आरसीबी के अगेंस्ट 2 मैच में सिर्फ 2 रन, एक बार भी आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किए। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करके, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड यही बोलता है, लेकिन स्मॉल लीग में कतई नहीं ड्रॉप कीजिएगा। बड़ा मैच है, बड़ी प्लेयर है, परफॉर्म करके दे सकती है, ठीक ना। तो स्मॉल लीग में ड्रॉप नहीं करना है, ड्रॉप करना भी हो दोस्तों तो आप ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो। फिर आपको एक ईयर मिलेगी, पता नहीं यार एक ईयर को हुआ क्या है यार, लास्ट ईयर की दोस्तों आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस बार दोस्तों विकेट लेने के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इनको। आप देखोगे जो लास्ट 4 मैच खेल के आ रही है, लास्ट 5 मैच भी आप ले लो यार, एक सिंगल विकेट भी दोस्तों नहीं ले पा रही है, ऐसे तो यार एक ईयर काम नहीं चलेगा। इस मैच को यदि दोस्तों एमआई को विन करना होगा ना, तो नाइट सीवर ब्रांड के साथ साथ दोस्तों इनको भी परफॉर्मेंस करना होगा। ऐसे बेंगलोर के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, 4 मैच में 73 रन और दोस्तों 5 विकेट है, लेकिन रिसेंट मैचों में दोस्तों बैटिंग से तो चलो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बॉलिंग से दोस्तों परफॉर्म नहीं कर पाई है। उम्मीद करते हैं इस मैच में परफॉर्म करे। देखो स्मॉल लीग में तो हम लोग चाह के भी इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों आपको करके देगी, ठीक ना। फिर नीचे आपको मिलेगी दोस्तों पूजा वास्तरेकर का ऑप्शन।
जो आरसीबी के अगेंस्ट 204 मैच के लिए जहां पे आपको 3 विकेट प्रोवाइड कर चुकी है। लास्ट मैच दोस्तों विकेट लेस गई थी और पिटाई भी इनका काफी हुआ था क्योंकि लाइन लेंथ इनका सही नहीं जा रहा था। ट्राई करना हो मिनी जीएल ग्रैंड लीग में रोटेट करना, स्मॉल लीग में मैं उतना इंपॉर्टेंस इनको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक तो रिसेंट मैच में आप देखोगे लास्ट मैच जो आरसीबी के अगेंस्ट खेली उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और हेड टू हेड भी दोस्तों जस्ट ओके है। तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में दोस्तों आप ड्रॉप करके इस मैच में चल सकते हो, ठीक ना। फिर आपको एक और मिलेगी, इनको दोस्तों आपको लेना नहीं है। सजना पे थोड़ा सा फोकस रखना क्योंकि सजना दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट 2 मैच में 30 रन स्कोर भी है और अच्छी दोस्तों टच में चल रही है। सजना को दोस्तों इस मैच में सच बताऊं यदि 15 बॉल भी मिल गया ना खेलने को तो ये दोस्तों 15 बॉल में 25 से दोस्तों आपको 30 रन का स्कोर कर सकती है। तो ग्रैंड लीग में यदि आप ऐसा कोई टीम बना रहे हो जिसमें आप एमआई के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं ले रहे हो, आपको लगता है कि एमआई की टीम लास्ट मैच की तरह फिर से फ्री में विकेट दे देगी, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में, ऐसे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में सजना आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है, ध्यान रखना। यदि ये स्टार्टिंग में एमआई का विकेट गिरेगा तो सजना दोस्तों नीचे आके आपको 30 रन भी स्कोर कर देगी तो करीब करीब 40 से 45 फैंटेसी पॉइंट देके जाएगी। तो एक गेम चेंजर पिक दोस्तों इस मैच की आपके लिए रहेगी। फिर नीचे आपको मिलेगी एक आजी का ऑप्शन, इनको आपको रखना नहीं है। स्माइल मस्ट पिक है क्योंकि स्माइल दोस्तों ऐसा कोई मैच रहा ही नहीं है यहाँ पे दोस्तों इनको विकेट ना मिला हो, सभी मैच में दोस्तों इन्होंने विकेट लिया है। आरसीबी के अगेंस्ट 1 मैच खेली वहां पर भी दोस्तों विकेट लिया है। तो ऐसे स्माइल स्मॉल लीग हो या दोस्तों ग्रैंड लीग हो सभी में आपके लिए मस्ट पिक है, कभी भी ड्रॉप नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे आपको मिलेगी साइका इसक का ऑप्शन, आरसीबी का गेंद 204 मैच के लिए जहां पे आपको 4 विकेट प्रोवाइड किए, अच्छी बॉलर है दोस्तों। देखो एमआई की टीम है, यदि बॉलिंग सेकेंड करती है तो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए इस मैच में रहेगी क्योंकि देखो आरसीबी की टीम यदि बाई चांस भी लॉस करेगी ना इस मैच को तो मेरे को लगता है दोस्तों स्पिनर के अगेंस्ट वो फ्री में अपना विकेट देगी, ठीक ना। ये आरसीबी वुमेन का दोस्तों प्रॉब्लम रहा है। तो इस मैच की जो सबसे बड़ी मेरे को ट्रम्प कार्ड प्लेयर दिख रही है वो है दोस्तों साइका इसक। मैं यहाँ पे रीड डाउन भी कर देता हूँ, इस मैच की दोस्तों सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड प्लेयर यही रहने वाली है। इनपे आपको स्मॉल लीग में भी फोकस रखना है, ग्रैंड लीग में भी फोकस रखना है। साइका इसक का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक ना दोस्तों, इस मैच में आपके लिए काफी शानदार ऑप्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग बेंगलोर के प्लेइंग 11 में। तो बेंगलोर में भी दोस्तों आपको इस मैच में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, सेम प्लेइंग 11 दोस्तों इस मैच में भी बेंगलोर की टीम खेलने वाली है जो दोस्तों इनका लास्ट मैच में रहा था, ठीक ना। तो प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट दोस्तों बेंगलोर के भी हम लोग सभी प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड समझते हैं और जानते हैं कौन सी प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट रहेगी और ट्रम्प कार्ड प्लेयर दोस्तों कौन रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट में हम लोग देखेंगे स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड। स्मृति मंदाना दोस्तों एमआई के अगेंस्ट आप देखिएगा 4 मैच के लिए, इस 4 मैच में दोस्तों बैटिंग से 67 स्कोर रहा है। देखो एमआई के अगेंस्ट ना स्मृति मंदाना कभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करती है, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना स्पिनर के सामने अपना विकेट फेंक के जाती है। और मैथ्यू दोस्तों इनको 4 मैच में ना मैथ्यू इनको दोस्तों ऑलरेडी 3 बार आउट कर चुके हैं और इस मैच में भी इनका जो मेन मैचअप बनने वाला है दोस्तों वो मैथ्यू के सामने ही बनेगा। तो स्मृति मंदाना दीदी मैथ्यू से थोड़ा सा बच के रहिएगा तभी आरसीबी की टीम गुड स्टार्ट कर सकती है क्योंकि ओपनर बैट्समैन है, स्टार्टिंग में स्कोर करेगी तभी जाके आगे और बैट्समैन बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। तो स्मृति मंदाना का मैचअप आपको मिलेगा मैथ्यू के सामने और एमआई के अगेंस्ट स्ट्रगल दोस्तों जरूर करती है, सिर्फ 16 का इनका एवरेज है, ठीक ना। फिर इनके सामने आएंगे सोफिया डिवाइन। सोफिया डिवाइन तो नहीं आएगी, मेरे को लगता है दोस्तों ए मेलुक्सी भी आएगी जो लास्ट 2 मैच से ओपन बैटिंग कर रही है। सोफिया डिवाइन का ऐसे हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 4 मैच में 29 रन 2 विकेट बहुत खराब है दोस्तों एमआई वुमेन के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। उसका रीजन भी है दोस्तों क्या है कि एमआई वुमेन के ना बैट्समैन जो है वो दोस्तों ध्यान रखना सोफिया डिवाइन को बहुत अच्छा प्ले कर लेते हैं, आपको लास्ट में यदि डेथ में बॉलिंग करने आए तो विकेट मिले, स्टार्टिंग में दोस्तों विकेट नहीं मिलेगा। तो यदि आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क है, सोफिया डिवाइन को ड्रॉप भी कर सकते हो। स्मॉल लीग में मत करना, ग्रैंड लीग में इसलिए क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा दोस्तों इनका नहीं मिलेगा हरमनप्रीत कौर के जैसा, ओके ना। फिर नीचे आपको मिलेगी इस टीम की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो नीचे ई पेरी। मंगाना का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो 3 मैच में दोस्तों आपको 29 रन है, जस्ट ओके है, ड्रॉप करके दोस्तों आप कर सकते हो। नीचे आपको मिलेगी दोस्तों इस टीम की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ई पेरी।
जो लास्ट मैच में एमआई के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके आ रही है। लास्ट मैच में आप देखोगे दोस्तों बैटिंग से भी 40 रन और बॉलिंग से भी दोस्तों 6 विकेट, और ये जो 6 विकेट है ना दोस्तों डब्ल्यूपीएल की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों ई पेडी तो यार मस्ट पिक है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, 4 मैच में 86 रन और 7 विकेट में दोस्तों 6 विकेट लास्ट मैच में था, दैट मींस उससे पहले एमआई के अगेंस्ट उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन पिच जो हुआ था ना देखो, जो पिच पे मैच हुआ था वहां पे फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा रहता। एमआई वुमेन की टीम थोड़ा सा फील्डिंग खराब की, नहीं तो स्माइल भी दोस्तों उस मैच में 3 विकेट लेके जाती। तो पेडी ऐसे भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और कैप्टन और दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए भी दोस्तों इस मैच में एक बेस्ट ऑप्शन है। रीजन क्या है? फर्स्ट राउंड बैटिंग, 4 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग। तो ध्यान रखिएगा कैप्टन मिसी भी आप इनको इस मैच में ट्राई कर सकते हैं, ओके ना। फिर नीचे आपको मिलेंगी दोस्तों ऋचा घोष, ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। आप इनका परफॉर्मेंस देखिएगा लास्ट 5 मैचों में, तो 4 मैच में दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस की है। एमआई के अगेन 4 मैच में 100 ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगी आपके लिए। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में लेके चलिएगा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेगी इस मैच में, ठीक ना। फिर नीचे आपको दोस्तों जी वारेन का ऑप्शन मिलेगा, मुंबई के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, 3 मैच में 2 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट यदि आरसीबी की टीम करती है इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक ना, रिकॉर्ड तो ऐसा ही करता है। और रिसेंट मैच भी दोस्तों इनका एवरेज रहा है। फिर आपको मिलेगी दोस्तों एस मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 2 मैच से आरसीबी की टीम इनको ना ओपन बैटिंग करा रही है, और यदि दोस्तों इस मैच में भी ओपन बैटिंग करेगी कंफर्म रखिएगा, और आपको दोस्तों 4 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके देगी। तो ऐसे में ना ये एक कैप्टन बीसी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाती है, ओपन बैटिंग 4 ओवर का बॉलिंग, ओपन बैटिंग करते हुए 20 रन भी स्कोर कर दे और 1 विकेट लेके, तो दोस्तों आपको करीब करीब 50 फैंटेसी पॉइंट देके जाएगी। तो एस मॉलिक्यूल्स स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप लेके चलना, ठीक ना, ड्रॉप दोस्तों हम लोग नहीं करेंगे। एस पटेल का दोस्तों मुंबई के अगेंस्ट जस्ट ओके परफॉर्मेंस है, 4 मैच में दोस्तों 3 विकेट ले चुकी है। स्मॉल लीग में मैं नहीं लूंगा इस मैच में, ग्रैंड लीग मिनीजीएल में आप रोटेट कर सकते हो, और वो भी तब करना जब दोस्तों आप अपना कॉम्बिनेशन ना आरसीबी को फेवर करके बना रहे हो, तब आप इनको अपने टीम में रोटेट करना। एमआई को फेवर करके बना रहे हो वहां पे आपको इनको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इनके जगह इनके टीम के बैट्समैन को इंपॉर्टेंस देना है। इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कि कहां पे किस प्लेयर को आपको इंपॉर्टेंस देना है। फिर नीचे आपको मिलेगी एथ पोकरार का ऑप्शन, देखो उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है दोस्तों, ड्रॉप करके चलना। हाँ नीचे जो ऑप्शन है ना 10 प्लेयर दोस्तों इनकी, आशा भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्योंकि अच्छी बॉलर मेरे को लगी है, लाइन लेंथ बहुत अच्छा है और बॉल को दोस्तों स्पिन कराती है, एक लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर दोस्तों ऐसे मैच में बहुत बड़ी गेम चेंजर पिक बन सकती है। तो मुंबई की तरफ से मैंने आपको एस इसक बताया था ट्रम्प कार्ड प्लेयर, और बेंगलोर वुमेन की तरफ से दोस्तों इस मैच की आशा रहने वाली है आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर, जो इनका दिन रहा तो दोस्तों आपको एक मैच में भी ना 2 से 3 विकेट आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसे प्लेयर पे थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा क्योंकि ऐसे प्लेयर ही आपको मैच को विन करवाती है, ठीक ना। तो आशा और मुंबई के दोस्तों एस तीसरा की है, 2 ट्रॉम कार्ड प्लेयर है इस मैच में आपके लिए। लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों एस इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है दोस्तों, ड्रॉप करके ही चलिए, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग अपना फाइनल कॉम्बिनेशन। देखो दोस्तों ये जो मैंने फाइनल टीम बनाया है टस से पहले बनाया, यदि टस के टाइम में कोई भी अपडेट आता है पिच और दोस्तों फाइनल टीम में मैं कोई भी चेंजेस करूंगा, तो ध्यान रखिएगा फाइनल टीम में आपके साथ फिर से कहां पे, तो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन मिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल पे मैं एक बार फिर से फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा, जिन भाइयों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसका लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से जाइए और टेलीग्राम के साथ दोस्तों जुड़ जाइए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना फाइनल टीम, जहां पे मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से आर घोष को रखा है, आर घोष के साथ दोस्तों आप देखोगे मैंने वाई भाटिया को अपने टीम में बैक किया है। बैटिंग सेक्शन से मंदाना और दोस्तों एच कौर को मैंने रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से सोफिया डिवाइन, ई केयर, ई पेरी, एच मैथ्यू, नाइट स्टीवर ब्रांड और दोस्तों एस मॉलिक्स को मैंने टीम में रखा है। बॉलिंग सेक्शन से बस मैंने दोस्तों स्माइल को रखा है क्योंकि स्माइल इस मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों इस टीम में 2 मैंने ट्रॉम कार्ड प्लेयर आपको बताया था, एस तीसरा और आशा, यदि आप दोनों को एक टीम में तो कभी भी मत रखना, रखना भी हो दोस्तों तो दोनों में से एक को आप अपने टीम में ट्राई करना, और यदि दोनों में से किसी को रखना हो तो आप रिस्क ले सकते हो, एक तो सोफिया डिवाइड पे
जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। रिक्स लेना हो दोस्तों तो आप ले सकते हो दोस्तों इस्माइल पे, ठीक ना, इस्माइल पे भी आप इस मैच में मिनी जीएल ग्रैंडलिंग में रिक्स ले सकते हो ड्रॉप करके, ठीक ना। तो वो दो प्लेयर जो मैंने बताया उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। कैप्टन दोस्तों इस मैच में मैंने ई पेरी को किया है, वाइस कैप्टन नाइट सीबर ब्रांड को। अब देखो दोस्तों भीजती ना मैथ्यू को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट दोस्तों मुंबई की तरफ से जिन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है वो दोस्तों मैथ्यू है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्पेशली इस मैच को ध्यान में रखते हुए ग्रैंड लीग में ई के एक ईयर पे भी दोस्तों एक कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट पांच मैच से दोस्तों बहुत ही साधारण परफॉर्मेंस रहा है, बड़ी प्लेयर है, बड़ी मैच में परफॉर्मेंस करके आएगी और कोई भी इनको कैप्टन मिस्टिक कर नहीं रहा है, तो ग्रैंड लीग में ये भी चीज आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अभी के लिए आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव करके रखिए, कोई अपडेट देना होगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। और ये जो मैंने आपको एक ऑफर बताया था, सभी दोस्त इस ऑफर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन भाइयों ने नहीं किया है कॉमेंट सेक्शन में जाइए और ये तीन सवाल का दोस्तों जाइए कॉमेंट कीजिए और लेके जाइए दोस्तों 1000 रुपया फ्री और साथ ही साथ इसके साथ गिफ्ट हैम्पर। बस ध्यान रखिएगा कमेंट जो आप कीजिएगा ऊपर में स्पोर्ट्स बाजी ऐप का अपना यूजर आईडी जरूर डाल दीजिएगा, यदि आपका यूजर आईडी नहीं होगा तो फिर आपका आंसर सही भी रहेगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा, ठीक ना, सही भी होगा तो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो जाइए और दोस्तों पार्टिसिपेट कीजिए। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक बेस्ट टीम दोस्तों रेडी करने में। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।